नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराने के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने उनको कड़ी टक्कर देने की तैयारी की है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने मशहूर एडवोकेट प्रियंका टिब्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी बीच अब ममता बनर्जी के पास कितनी संपत्ति है उसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपना भवानीपुर से पर्चा भी दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता भी अपना अपना दावा मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी बीच चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी के पास करीब 69,255 रुपए कैश होने की जानकारी दी गई है। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा से पहले ये एफिडेविट दाखिल हुआ था, तब उन्होंने बैंक अकाउंट में करीब 12,02,356 रुपए जमा दिखाए थे। सीएम के पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC के रूप में 18,490 रुपए का निवेश है। वहीं ज्वेलरी की बात करें तो उनके पास सिर्फ 9 ग्राम की ज्वेलरी है। इसी साल 2 मई को राज्य के चुनावी नतीजों के ऐलान के दौरान ममता बनर्जी को उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया था। इसके बावजूद राज्य में TMC की बम्पर जीत की वजह से उन्होंने CM पद की शपथ ली। संविधानिक व्यवस्था के मुताबिक उन्हें 6 महीने के अंदर सदन में चुन कर आना था, इसलिए वो भवानीपुर से इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की ओर से लड़ रही प्रियंका टिब्रवाल पेशे से वकील हैं, जो बीजेपी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष भी हैं। प्रियंका साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुई थी। प्रियंका हाईकोर्ट की नामी वकील हैं, जो बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो की लीगल एडवाइजर भी रह चुकी हैं। ममता बनर्जी के लिए 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 30 सितंबर को ममता दीदी की किस्मत क्या मोड़ लेती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।